एंड गो टू द डेटर टैप क्लिक ऑन दैट एंड फ्राम द डेटर टैब गो टू द रिमूव डुप्लीकेट्स आइकन ठीक है इसके गो टू द डुप्लीकेट आइकन तक चल जाएंगे वहाँ पर आपने क्लिक कर देना हीरोलेक्ट एंड डुप्लीकेट डायलाग बॉक्स विल अपेयर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब जो है ना आप ऑलरेडी वो पहले डिफॉल्ट ऑलरेडी वो चेक किए हुए हैं टिके हुए हैं तो अगर आप यही सेटिंग चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे अगर अपनी तरफ से चेंज करना चाहते हैं डुप्लीकेट को कि यहाँ पर मैंने बनाए हुए वन टू थ्री कॉलम्स आई हैव क्रिएटेड वन टू थ्री कॉलम्स और अगर मैं यहाँ पर कॉलम नहीं क्रिएट करता यहाँ पर सिर्फ नेम्स और जीमेल आई डीज़ होता टेबल में ऊपर ऊपर जैसे लिखा हुआ ब्लैक कलर में एज यू आर वॉचिंग द नेम्स एंड जीमेल आई डीज़ एंड वन टू थ्री कॉलम सपोज इफ आई हैव हैवंट क्रिएटेड कॉलम्स आई हैव आई वुड हैव पुट्स ओनली द नेम्स तो जो यहाँ पर जो ऑप्शन है आप टिक करें, क्लिक करेंगे तो आफ्टर चेकिंग और क्लिकिंग दैट सेलेक्टिंग दैट कॉलम्स और नेम्स यू सिंपली प्रेस ओके एंड द डुप्लीकेट इन द सेल विल बी रिमूव्ड और अरेज्ड बाय द एक्सेल कि एक्सेल जब जैसे ही आप इसको आप क्लिक करेंगे ओके okay करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल आप जो उसके अंदर जो डुप्लीकेट डेटा है या नेम है या जी मेल है वो उसको जो है क्या डिलीट कर देगा रिमूव कर देगा जैसे आपके यहाँ पर लिख रहे हैं कि दो लिखे हुए थे राज के नाम से नेम्स और जी मेल तो उनमें से एक जो है डिलीट हो गया रिमूव हो गया है. तो यहाँ पर टू डुप्लीकेट्स गुड एंड वो आपको ये भी बता रहे हैं कि कितने रिमूव हो गए है, हैं आप नज़र आ रहा है और कितने रिमेनिंग है इसके ऊपर सो इजी एंड सिंपल वे टू डू दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग